So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th electrochemistry. It is video number 7. हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इन प्रीवियस वीडियो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, कोई सब्सट्रेट जैसे आयरन के ऊपर सिल्वर का डिपॉजिट करना, कॉपर के ऊपर सिल्वर का डिपॉजिट करना, गोल्ड का डिपॉजिट करना बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अंडरस्टूड? तो ये कैसे करते हैं लोग, दो करना है. सिलेबस में दो ही चीज़ लिखा हुआ है, तो दो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन स्पून. सपोज स्पून है, किसका बना हुआ, मान लीजिए आयरन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, आयरन लोहा का बना हुआ है, ठीक है. मान लीजिए ये स्पून है, ठीक है, ये स्पून ले लिए आयरन का बना हुआ है. इसके ऊपर सिल्वर का हम लोग को डिपॉजिट करना है, तो क्या क्या क्वेश्चन आता है देखिए, जानते हैं कैसे होता है. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन स्पून बता रहे हैं. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जैसे इसके ऊपर सिल्वर करेगा तो सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा. कौन सा लेना पड़ता है? AgNO3, एग्जाम में आता है. फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ओवर ए स्पून ऑफ आयरन व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड? आंसर इज सिल्वर नाइट्रेट, थोड़ा सा HNO3 एसिड मिला सकते हैं. क्लियर है? इलेक्ट्रोड के रूप में कैथोड मटेरियल, जिसको ये कैथोड कौन बनेगा, जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करें, जिसमें इसके ऊपर इलेक्ट्रोड, ये कैथोड बनेगा. कोई चम्मच है ना, कोई भी चूड़ी है ना, वो क्या बनेगा? कैथोड बनेगा. बैटरी का नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट होगा, कैथोड बनेगा जो पॉजिटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. और एनोड के रूप में कौन यूज होगा? सिल्वर. एनोड के रूप में सिल्वर यूज होगा. अंडरस्टूड? करंट पास करेंगे, करंट ऑफ 5 एम्पियर विल पास, जिसका वोल्टेज होना चाहिए 12 वोल्ट. तब क्या होगा? सबसे पहले करंट जैसे ही पास करेंगे AgNO3 विल क्या होगा, टूट जाएगा. प्लस क्या होगा? NO3 माइनस में. क्लियर है? AgNO3 टूट जाएगा. सॉल्यूशन के रूप में HNO3 है, HNO3 भी थोड़ा टूट जाएगा, H का प्लस और क्या NO3 माइनस. क्लियर है? अब हम लोग 8 एनो कैथोड में और एनोड में दोनों ही जगह अगर हम लोग सिल्वर का ही यूज कर रहे थे, दोनों ही जगह कौन जमा होगा? सिल्वर. ये जमा नहीं होगा, ये जमा नहीं होगा, ये जमा नहीं होगा. अगर हम लोग जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कॉपर का ही कैथोड, कॉपर सल्फेट को अलग करने के, दोनों में कॉपर जमा होता है, वैसे ही सिल्वर भी. अगर सिल्वर का ही एनोड यूज करेंगे ना, तो कैथोड में तो पक्का सिल्वर ही जमा होगा, क्योंकि सबसे नीचे यही है, और एनोड में भी सिल्वर ही जमा होगा. अंडरस्टूड? एट कैथोड Ag प्लस डिपॉजिट होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन जाएगा. तो यहाँ पे Ag का परत जम जाएगा, Ag का लेयर जो है विल डिपॉजिट ऑन किस में? स्पून में. एट एनोड में क्या होगा? एट एनोड में क्या होगा? यहाँ पे कौन जमा होगा? यहाँ पे भी सिल्वर. अगर सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड यूज किए हैं दोनों ही, तो Ag प्लस ही जमा होगा, है ना, Ag प्लस ही जमा होगा. और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोड लूज करके, सॉरी Ag ही जमा होगा, Ag प्लस ऑक्सीडाइज हो जाएगा यहाँ पे, और क्या बनेगा, Ag ही जमा होगा. दोनों ही केस में Ag जमा होता है, बस. तो क्वेश्चन ऐसा छोटा छोटा आता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? बाय डिपॉजिटिंग द सुपीरियर लेयर ऑफ ए सब्सटेंस ओवर अदर लेयर लाइक आयरन कॉपर के ऊपर. कौन सा, अगर सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो सिल्वर नाइट्रेट यूज करना चाहिए, एसिडिफाइड, मतलब HNO3 सब मिला हुआ है. क्लियर है? एनोड में कौन होगा, कैथोड में कौन होगा? तो एनोड में कौन जमा होगा? सिल्वर. सॉरी, एनोड में क्या यूज करेंगे हम लोग, किसका एनोड बना है? सिल्वर का ही बना है. और कैथोड कौन बना है? जिसे कोई, जैसे एग्जाम्पल लिए आयरन स्पून, है ना, ये सब है. अब हम लोग जैसे करंट पास करेंगे 5 एम्पियर और वोल्टेज 12 वोल्ट, AgNO3 विल डिपॉजिट, AgNO3 विल डिकम्पोज, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, Ag प्लस और NO3 माइनस बन जाएगा, HNO3 H प्लस और NO3 माइनस बन जाएगा. एट कैथोड में Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन के Ag बनेगा, और एट एनोड में Ag प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ के Ag बन जाएगा. तो दोनों ही जगह Ag जमा हो जाएगा. इस तरह से इसके ऊपर हम लोग को एकदम चमकता हुआ सिल्वर दिखाई देगा ओवर आयरन स्पून. Ag तो हम लोग पास वापस मिल ही गया, लेकिन सिल्वर मिल गया, और ये जो है बनेगा वो आयरन के ऊपर सिल्वर है. तो ये था इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन
silver spoon, sorry, iron spoon. So next we will explain the electroplating of nickel. Nickel का electroplating करना है. तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन लेंगे? जब सिल्वर का करना है तो एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट लिए हैं. इसमें तो बहुत एक नंबर नाम है, इसका नाम है निकेल सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2O. ये है इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में क्या लिया? निकेल सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2O. क्लियर है? एनोड के रूप में, कैथोड के रूप में क्या यूज करेंगे? कैथोड के रूप में आयरन स्पून यूज कर लिए. और एनोड के रूप में अगर निकेल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो दोनों ही Ni2 निकेल यहाँ पे यूज किए हैं. और यहाँ पे आयरन स्पून जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है वो कैथोड होता है, हमेशा याद रखिएगा. करंट पास करेंगे, वोल्टेज देंगे. करंट कितना होता है? 4 से 5 और वोल्टेज 12 वोल्ट. तो आप देखिए क्या होगा, तो टूट जा, जैसे ही करंट पास करेंगे, निकेल सल्फेट अमोनियम एक सॉल्यूशन का नाम है 6SO4 6H2O टूट जाएगा. करंट जैसे ही पास करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, टूट जाएगा. निकेल का 2+ अलग हो जाएगा, अमोनियम का प्लस अलग हो जाएगा. प्लस वाला ये दोनों है, H2O में क्या होता है H+. ये तीन तीन को प्लस अलग हो जाएगा. कौन कौन? जैसे करंट पास करेंगी ये तीनों क्या हो गया? केटायन. निकेल का 2+ होता है, अमोनियम का प्लस होता है और H+ यहाँ पे है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. और एनायन के रूप में कौन कौन टूटेगा? बस इसमें कौन है? सल्फेट, सल्फेट और OH. SO4 2- और क्या यूज होगा? OH-. इसमें OH है और इसमें सल्फेट है. तो ये सब आयन्स के रूप में टूट जाएंगे. एट इसमें एनो कैथोड में कौन जमा होगा? कैथोड में सबसे नीचे तो निकेल है. निकेल जमा होगा कि अमोनियम की H+. तो निकेल सबसे लोअर है इन द केमिकल सीरीज अमोंग देम. निकेल 2+ विल डिपॉजिट. ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा और निकेल जमा हो जाएगा. कहाँ जमा हो जाएगा? ओन स्पून के ऊपर निकेल का लेयर जमा हो जाएगा. इसे कहाँ पे? कैथोड में. और एनोड में भी ध्यान से सुनिए, एनोड में अगर निकेल का ही एनोड किए हैं तो ये सब जमा नहीं होगा. सुन लीजिए, क्या जमा होगा? निकेल 2+ ही जमा होगा और वो भी क्या बन जाएगा? निकेल हम लोग को देगा. दोनों ही केस में निकेल जमा होगा. अगर सेम चीज का इलेक्ट्रोड यूज करते तो वही जमा होगा एनोड में. जैसे कॉपर भी किए तभी, सिल्वर भी किए अभी और निकेल भी कर लिए. अंडरस्टूड? इसको याद रखना चाहिए. बोथ इन बोथ इलेक्ट्रोड्स, कैथोड हो या एनोड हो, कौन जमा होगा? निकेल 2+ जमा होगा. बस यही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एकदम अच्छा से बताया, दो ही का सिलेबस में लिखा हुआ है. सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए विच टू डिपॉजिट सिल्वर ओवर एक आयरन स्पून कोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच सॉल्यूशन इज टू बी यूज्ड? सिल्वर नाइट्रेट. फॉर निकेल डिपॉजिटिंग वी हैव टू यूज सॉल्यूशन निकेल सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2O. ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन यूज किया जाता है. अंडरस्टूड? इसका यूज क्या है? डेकोरेशन के लिए, कि सुंदर दिखे, है कि नहीं? डेकोरेशन के लिए, कोरोशन रोकना है, है ना? जैसे बाहर में बहुत सा आयरन के ऊपर अगर हम लोग डिपॉजिट कर देंगे इन सब का लेयर, तो क्या होगा? वो जिंक का लेयर, तो क्या होगा? वो बहुत दिन तक सही रहता है. तो इसलिए ये डेकोरेशन के रूप में काम आता है, कोरोशन को रोकने में काम आता है और साथ में रिफाइनिंग में भी काम आता है. तो इसको भी लिख देते हैं, नोट कर लीजिए. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज फॉर डेकोरेशन, मतलब कोई सुंदर दिखे इसलिए. हैंडल सब देखें, चमकता हैंडल सब बनता है, क्रोमियम का निकेल का परत जमा होता है उसके ऊपर. डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज होता है. उसके अलावा टू प्रिवेंट कोरोशन, टू प्रिवेंट कोरोशन को रोकने में काम आता है, कोरोशन को रोकने में काम आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. थर्ड, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज कर सकते हैं. इसको भी नोट कर लीजिए. नाउ
प्यूरिफिकेशन में कैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तो देखिए जब भी हम लोग जैसे मान लीजिए कि अल्मोनियम को हम लोग जमा करना है, अल्मोनियम को तो जैसे हम लोग क्या कर दें, Al2O3 ओर है हम लोग के पास, ओर्स को प्योर ओर्स को हम लोग कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, मेटलर्जी में पढ़ेंगे आप लोग या पढ़े होंगे, तो इसमें क्या था प्योर ओर को, प्योर ओर जो होता है उसमें अगर करंट पास करेंगे तो वो टूट जाएगा, किसमें मेटल में टूट जाता है, सच प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। ये सिंपली क्या है, द प्यूरिफिकेशन ऑफ एन ओर विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द प्यूरिफिकेशन ऑफ एन ओर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास अल्मोनियम का ओर है, प्योर अल्मोनियम ओर है, ये गला हुआ है, मोल्टन अल्मोनियम मोल्टन है, ठीक है, इसको हम लोग को अलग अलग प्योर करना है, मतलब अल्मोनियम में से ऑक्सीजन हटाना है, तो क्या करेंगे, बस Al2O3 दे देंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे, तो Al3 प्लस अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, है कि नहीं, अल्मोनियम 3 प्लस कहाँ विल डिपॉजिट हो जाएगा, कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, एट कहाँ पे, कैथोड में, प्योर अलग हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन क्या है, इंप्यूरिटी है, वो इंप्यूरिटी क्या अलग हो गया विद द हेल्प ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और प्योर अल्मोनियम कहाँ जमा हो जाएगा, Al3 प्लस यहाँ जमा होगा और ऑक्सीजन यहाँ पे जमा होगा, सबको पता है एनोड में ऑक्सीजन जमा हो जाएगा, एल्मोनियम 3 प्लस जमा होगा, अल्मोनियम को अलग करते जा रहे हैं हम लोग, कॉपर को भी कर सकते हैं, हम लोग के पास कॉपर का ऑक्साइड है, ये क्या है, ओर है, अगर करंट पास करेंगे तो कॉपर 2 प्लस अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 प्लस, और एट कैथोड में प्योर, हमेशा कैथोड में जमा होता है, प्योर मेटल कॉपर 2 प्लस विल क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, कहाँ पे जमा होगा, कॉपर 2 प्लस में दो इलेक्ट्रॉन लेके वो कॉपर बन जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये जो प्रोसेस है सिंपल सा है, इसके बाद ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इन दिस वे दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू कैन गेट 5 to 6 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, बहुत से टॉपिक पढ़ा दिए, एकदम अच्छा से कर लीजिएगा, सारा वीडियो को देखिएगा, तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे आंसर आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक्स नाम है उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।